अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। दोपहर के बज रहे थे एक, जब मुझे मेरी मम्मा ने आके उठा के, उठ जा लड़की, एक बज रहा, कितना सोएगी, शर्म कर, उठ के अपने कल के रिमेनिंग काम कर ले। तो ऑफ कोर्स फिर मैंने जल्दी जल्दी से उठी और सोचा कि उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, बिकॉज मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और इसकी रीज़न ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी रात को और मेरी वर्क प्लेस भी इतनी मैसी है, और इसकी रीज़न भी यही है कि कल मुझे एमरजेंसी एक जगह पर जाना पड़ा जिसकी वजह से मैं आकर ऐसे ही सो गई। सोचा तो था कि रात को नीट करूँगी, लेकिन रात को टाइम नहीं मिला, थकी हुई थी तो आके लेट गई। और अब जल्दी जल्दी से मैं ऑर्डर्स जो मुझे मिले हुए थे उन्हें कलेक्ट किया फ़ोटोशूट करने के लिए, बिकॉज अभी इनका फ़ोटोशूट करना था, इन्हें पैक करना था और फिर इन्हें डिस्पैच करना था। सो अब मैं इनका फ़ोटोशूट करने के लिए जा रही थी और मेरे साथ मेरी एक असिस्टेंट या हेल्पर कह लें, मेरी छोटी बहन भी थी जो कि अब दरवाज़ा खोलने में मेरी हेल्प कर रही है। तो उसके बाद अब मैं ये फ़ोटोशूट करके वापस आ रही हूँ। रास्ते में आते हुए इस स्पेसिफिक लॉकेट से मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें की और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो कि मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। घर आने के बाद मैंने जल्दी से अपने ऑर्डर्स को पैक करना स्टार्ट किया। अब ये मेरी एक बहुत डियर और बहुत कोऑपरेटिव कस्टमर है जिन्होंने मुझसे बनवाई थी ये एक रिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, और साथ बनवाया था उन्होंने मुझसे एक कॉस्टर कह लें या स्मॉल ट्रे कह लें जिसके ऊपर उन्होंने अपना स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखवाया था अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, और साथ में उन्हें दे रही थी एज अ फ्री बी गिफ्ट, बिकॉज सारा कुछ तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए दे रही थी, अपने लिए तो उन्होंने खुद कुछ लिया नहीं। सो फॉर दैट रीज़न जो था मैंने सोचा कि चले उनको भी हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट कर देते हैं की चेन, उनका नेम ऐसे स्टार्ट होता था, सो फॉर दैट रीज़न मैंने जो था वो एस लिखा की चेन के ऊपर। हम जल्दी से मैं इसके अंदर नोट वगैरह लिख के डाल रही थी जिस पर मैं लिख रही थी प्लीज़ रिव्यू, और रेट पे मैं लिख रही थी फ्री भी। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ये जो लोग पोस्टर्स या ऐसे स्मॉल ट्रेस के ऊपर अपने स्पेसिफिक टेक्स्ट वगैरह लिखवा के किसी को गिफ्ट करते हैं तो कितना नाइस और कितना डिफरेंट लगता है ना, बिकॉज वॉचेस देना या फिर परफ्यूम्स वगैरह, कफलिंग, इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करना तो बहुत पुराना हो गया है। कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, ये तो काफ़ी मतलब एक पुरानी चीज़ हो गई है ना। लेकिन इस तरह से ट्रेस वगैरह पर लिख के किसी को भेजना ये अभी नया नया है और इतना कॉमन भी नहीं हुआ और बड़ा डिफरेंट लगता है। इनफैक्ट कि रिसीवर भी सोचता होगा कि ये कितना डिफरेंट और कितना मतलब एलिगेंट सी चीज़ है, सिंपल सी। बहरहाल अब ये चीज़ें वगैरह मैं पैक कर रही थी, पैक करने के बाद मेरा पार्सल हो गया था रेडी और इसको जो था अब मैं छोड़ने जा रही हूँ दरवाजे के ऊपर। बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, अब ये इतना प्यारा लग रहा है तो ऑफकोर्स अब इसके अंदर इतनी तो एबिलिटी होनी चाहिए ना कि खुद ही चल के चला जाए। तो फिर अब मैं इसको जा रही हूँ बाहर मेन डोर के ऊपर रखने के लिए कि चल जाओ पार्सल, अब खुद ही चले जाओ, या फिर जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा कि ऐसे पार्सल रखे हुए होते हैं बाहर से पोस्टमैन आते हैं और वो उठाते हैं डोर के ऊपर से और चले जाते हैं, तो बाय बाय तुम भी जाओ। ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये पाकिस्तान है बहरहाल। तो अब मैं इसे खुद डिस्पैच करने के लिए जाऊँगी। घर आने के बाद मम्मा ने बनाए हुए थे फ्रेंड टोस्ट, बिकॉज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और फ्रेंड टोस्ट के साथ अखीर WWE करने के बाद इसका एक टोटा कह लें या पीस कह लें वो सेपरेट हो ही गया और फिर ये मेरे फोक पे नहीं आ रहा था। बहरहाल ये आया तो फिर मैंने इसको गपम करके खा लिया और इसी के साथ खुदा हाफिज़।